अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक क्वेश्चन की ट्रिक शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि FPSC ने CSS स्क्रीनिंग 2022 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया था, जो कि 142 से लेकर 145 तक है। तो इसकी ट्रिक के लिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, PQRST एंड यू। देयर प्रोफेशन आर इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, मैनेजर एंड लॉयर। डन। उसके बाद सबसे पहले हम जो ट्रिक बताने जा रहे थे उसको लिखते हैं। जो मेल है उसके लिए हम रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, जो फीमेल है उसके लिए हम सर्कल बनाएंगे, जो मैरिड कपल हैं उनके लिए हम इस तरह एक एरो लगाकर सर्कल लगा देंगे, वो जो आपस में बहन भाई हैं उनके लिए आप सर्कल बनाकर इसी तरह मेल फीमेल और एक एरो यहाँ आ जाएगा, एक एरो यहाँ आ जाएगा, जो कि दोनों के रिलेशन को बता रहा है। इसके बाद क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। तो जिस तरह फैमिली मेंबर लिखे हुए थे PQRST एंड U, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, PQRST U, ठीक है, PQRST एंड U। देन कंडीशन नंबर वन पे आते हैं। देयर आर टू मैरिड कपल इन दिस फैमिली। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले कि मेल के लिए रेक्टेंगल और फीमेल के लिए सर्कल, इसके साथ साथ मैंने बताया था कपल के लिए आपने एक रेक्टेंगल बनाना है और एक एरो का निशान लगाकर देकर उसको सर्कल की तरफ चले जाना है। इसी तरह जो चिल्ड्रन होगा उसके लिए आपने, जिसका चिल्ड्रन होगा उसके नीचे इस तरह एक एरो का निशान लगा देंगे। चिल्ड्रन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मतलब डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन थी देयर आर टू मैरिड कपल इन द फैमिली, तो एक यू बनेगा, फिर दूसरा भी यू बन गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ यू हु इज़ एन इंजीनियर। तो जो मैनेजर है वो ग्रैंड फादर है किसका, यू का, जो कि इंजीनियर है। तो सबसे पहले हमने बनाया ग्रैंड फादर, उसका आगे बेटा है जिसका मैं नहीं मालूम, ठीक है। फिर उसका आगे एक बेटा है जिसका मैं बताया गया है कि वो यू है जो कि इंजीनियर है। अच्छा, ऊपर जो ग्रैंड फादर था वो मैनेजर है, तो यहाँ मैंने मैनेजर लिख दिया। अब इसका हमारे पास सिंबल नहीं मालूम है। आगे बढ़ते हैं कंडीशन नंबर थ्री की जानिब, जो है कि आर द सेल्समैन इज़ मैरिड टू द लेडी टीचर। जो आर है वो सेल्समैन है जिसने शादी की है किससे, लेडी टीचर से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट कपल पे, ये सेकंड पे लिख दिया मैंने आर, जो कि सेल्समैन है और शादी किससे की है, लेडी टीचर से। इसका भी हमें सिंबल नहीं मालूम कि किसे जाहिर किया गया है। आगे बढ़ते हैं कंडीशन नंबर फोर की जानिब, क्यू इज़ द मदर ऑफ यू एंड टी। जो हमारे पास यू दिया था उसकी मदर है कौन है, क्यू इज़ द मदर ऑफ यू एंड टी, तो मतलब कि टी भी इसके साथ होगा, तो इनका बेटा एक और टी भी होगा। अगर दोनों आपस में भाई बहन हैं, दोनों भाई हैं या दोनों बहन भाई बहन हैं, पर हमारे पास अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि टी जो है मेल है या फीमेल है, तो इसको हमने टी लिख के छोड़ दिया। अब जो यू और टी आपस में इनका जो रिलेशन है वो क्लियर अभी तक नहीं है कि भाई बहन है या भाई हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो इनकी मदर है वो इन्होंने बता दी गई है कि वो क्यू है, ठीक हो गया। उसके बाद एक जो हमने ऊपर लिखा था पहले कि आर इज़ द सेल्समैन और लेडी टीचर। अब आगे बढ़ते हैं कंडीशन नंबर फाइव की जानिब, जो कि दी है द डॉक्टर एस इज़ मैनेजर टू मैनेजर। जो डॉक्टर एस है, जो डॉक्टर एस है उसने शादी की है मैनेजर से की है, ठीक है, जो मैनेजर से की है, तो ये एस है डॉक्टर, इसका पता चल गया मैं डॉक्टर है। अब स्टार्ट में क्वेश्चन में कहा गया था कि दो मैरिड कपल हैं, तो
अब देखें कि दो दो मैरिड कपल थे, कपल थे, उसमें एक ने मैनेजर से शादी की है और जो आर है उसने लेडी टीचर से शादी की थी, तो क्यू कौन हो गई, लेडी टीचर हो गई। और ये आर था या सेल्स में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी भी इसका क्लियर हमें हमारे पास नहीं पता कि ये आया मेल है या फीमेल है। तो अब हम किसी क्वेश्चन ट्रेस करते हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में कह रहा है, सॉरी, हाउ मैनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। तो इसके ऑप्शन गिवन है 2, 3, डेटा इंडिकेट और 4। तो जिस तरह हमारे पास हमें क्लियर नहीं है कि जो टी है वो मेल है या फीमेल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर डेटा एंड एडुकेट हम सी आंसर लिखेंगे, क्योंकि डेटा कम्प्लीटली मौजूद नहीं था जो बता सके कि जो इंजीनियर है वो, सॉरी, जो टी है वो मेल है या फीमेल है। क्वेश्चन नंबर 143 में जाते हैं, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ पी। तो जो पी है हमारे पास, अब देखें आप कि पी का हमारे पास यहाँ पर डेटा लिखा हुआ नहीं है। देखें, क्यू भी है, आर भी है, एस भी है, सॉरी, पी बी भी है, क्यू है, आर है, एस टी और यू। तो आर हो गया, यू हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, तो पी गया, तो पी हमारे पास क्या था, मैनेजर था। तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा, अब प्रोफेशन ऑफ पी क्या हमारे पास है, मैनेजर। तो 143 का भी आंसर हमारे पास आ गया सी, जो कि मैनेजर है। देन 144 में जाते हैं, हु आर द टू मैरिड कपल इन द फैमिली, ठीक है। तो पी और एस और आर और क्यू दो फैमिली मेंबर हैं, कपल है मैरिड, पी एंड एस। तो पहले देखें पी एंड एस कहाँ पर है, ये रब बी में है। उसके बाद देखें आर एंड क्यू, तो इसका आंसर क्या आ गया 144 का, बी। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की जानिब, जो कि है हाउ पी इज़ रिलेटेड टू टी। जो टी है उससे पी का क्या रिलेशन है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि ये दादा है, ये दादी है, ये इनकी माँ है, ये सॉरी इनके इनका फादर है, ये इनकी माँ है। अब टी का रिलेशन पूछ रहे हैं कि जो पी से क्या है, तो इसका भी क्या होगा आंसर, बी होगा, ग्रैंडफादर, क्योंकि जब इसका ग्रैंडफादर है तो टी का भी ग्रैंडफादर है। 145 का जो है हमारे पास बी, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।